भाइयों उनकी बहन कैसे हैं आप, स्वागत है आपका मेरे, आप कह सकते हैं फायर के इनके ब्लॉग से। फिर स्वागत है आप लोग का मेरे कमाल के न्यू वीडियो अगाया के लिए। फिर से कमाल का इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आ चुका है। मैं आ चुका हूँ अपने फायर वॉशिंग हब में। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं स्विफ्ट, ये वही स्विफ्ट है जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से रिस्टोर किया था। गाड़ी बहुत ही ज्यादा दिन से याद में खरीदी, हम लोग उसको फिर से हम लोगों ने बनाया था। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी आया था। तो आज फाइनली हम लोग इसको पूरी तरह से यहाँ पे वॉश कर रहे हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा वॉश करेंगे। गाड़ी बहुत ही ज्यादा गंदी है तो इसको पूरी तरह से वॉश करेंगे। आप लोग को दिखाएंगे कि हमारे वॉशिंग में क्या क्या प्रोसेस से जो वॉशिंग किया था ये टू जेड आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग को गाड़ी दिखाते हैं, गाड़ी कितनी ज्यादा गंदी है। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बूम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी गाड़ी को पूरी तरह से प्रेशर वाशर से यहाँ पे क्लीन कर दी ताकि जितने भी डस्ट एंड सोइल हो वो सारे कुछ यहाँ पे क्लीन हो जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम जो यही होता है कि गाड़ी को पूरी तरह से यहाँ पे वॉश करा जाए प्रेशर वाशर के थ्रू। आप लोग सोच रहे होंगे गाइज कि हम लोग जो इंटीरियर में ऐसे डायरेक्ट प्रेशर वाशर से पानी क्यों मार रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक चीज नहीं है इसमें पानी जहाँ से कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि गाड़ी अभी अभी बनी है तो हम लोग इसमें पानी मार सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डस्ट है तो इसीलिए हम लोग इसमें पानी मार रहे हैं, कोई सा भी हमें दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद ये प्रोसेस आता है कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो साबुन से कर रहे हैं तो ये साबुन थोड़ा जो है शैम्पू वगैरह से ज्यादा थोड़ा पावरफुल होता है। तो हम लोग इससे जो पूरी गाड़ी पे, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सटेंस का यहाँ पे इंजन ऑयल का दाग था तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं उसके मदद से। गाड़ी के मोस्टली पार्ट पे आपको इंजन ऑयल का स्टैंड मिलेगा तो इसको सारे को हम लोग यहाँ पे क्लीन करेंगे, वही साबुन अप्लाई करेंगे, उसको अच्छे से रब करेंगे ताकि वो सारा क्लियर हो। तो यहाँ पे आप फेंडर पे भी देख सकते, साइड फेंडर पे भी वो वाला स्टैंड है तो इसको सारे को हम लोग यहाँ पे क्लीन करेंगे। इसको थोड़ा हार्ड रब करेंगे ताकि ये जो पेंट के ऊपर वाला डस्ट जितना भी वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम लोग आप लोग को इंटीरियर भी दिखाते हैं। तो इंटीरियर में भी हम लोग अप्लाई करेंगे वही सेम चीज, क्योंकि इंटीरियर वाला डैशबोर्ड पे भी बहुत ही ज्यादा डस्ट वगैरह है एंड सोयल भी है। तो सारे को क्लीन करने के बाद जो वगैरह पानी आया था तो उस पानी को हम लोग जो वैक्यूम की मशीन की मदद से पूरी को यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेशर वाशर का जितना भी पानी था उसको क्लीन कर देंगे। उसके बाद आप लोग को एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये 1500 नंबर का सैंड पेपर है जो कि पुराना है, इसको आप लोग को अच्छे से पूरी गाड़ी में जो मार देना ताकि गाड़ी में जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो सारे को क्लीन हो जाए। और क्लीन करने के बाद आपको यहाँ पे पानी से अप्लाई करना है इसको। गाड़ी में जिसने भी स्टैंड के इंजन ऑयल के मार के सारे को हम लोगों ने यहाँ पे क्लीन करा, ये फाइनल वॉश है। उसके बाद हमारी गाड़ी जो यहाँ पे बाहर जा रही है पूरी तरह से हमारी गाड़ी वॉश हो गई है। तब इसको अच्छे से कपड़े से क्लीन करेंगे, बाकी आप लोग इसका बिफोर एंड आफ्टर का लुक देख सकते। We'll be right back.
हाँ गाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने बिफोर और आफ्टर का लुक देखा कि बहुत ज्यादा लुक में जो है इनहेंस हो गया। वॉश होने के बाद गाड़ी वॉश होने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, हालांकि पेंट वगैरह सारा कुछ हो गया था, तो हम लोगों ने इसको जो प्रॉपर वॉशिंग किया और आप लोगों ने देखा कि सैंड पेपर से हमने जो इसको जो थोड़ा बहुत जो है सैंड भी किया ताकि इसका जो लुक और इनहेंस हो जाए और इसमें ज्यादा लाइटिंग हो जाए, तो अभी इसमें रॉबिन वगैरह भी होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं वॉश होने के बाद ऐसा कुछ लुक आया है। आई होप गाइज आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया, तो ऐसे ही नहीं से वीडियो देखने के लिए तो अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के अलविदा, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।